बैठ जा जबे ना कहाँ गए हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले जो है ना, हम आपको इस जगह के बारे में बता देते हैं कि अभी हम कहाँ पे आए हुए। तो जिस जगह पे खड़े हैं ना, इस जगह को बोला जाता है उरांव नगर और इसका थाना पड़ता है रातू। और मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हो ना, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है तिलता चौक। इस साइड पे अपने कैमरा टर्न करेंगे तो यहाँ से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे दलादली चौक। और यहाँ पे जो है ना गाइस, पहुँचना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इस चीज़ को और भी आसान बनाने के लिए आपको गूगल मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो गाइस, इस जगह पे आना कैसे वो हमने आपको बता दिया। अब हम आपको एक बार वो ढाबा या होटल जो बोला आप वो दिखा देते हैं। तो ये चेक करो, कुछ इस तरह का इनका सारा सेटअप है। और बहुत लोग जो इस जगह को देखकर पहचान भी गए होंगे, क्योंकि इस जगह का पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। दोबारा हम यहाँ पे आए फिर से कुछ बढ़िया सा अच्छा सा ट्राई करने के लिए। तो सबसे पहले एक बार जगह आपको दिखाते हैं। ये देखो कुछ हिसाब का यहाँ पे सारा सेटअप है, बैठने का सारा अरेंजमेंट इस हिसाब का है। ये इनका सामने ओपन किचन एरिया है जहाँ आपके सामने सारा कुछ आपको बनाकर दिया जाएगा। दोपहर का टाइम है तो लंच वगैरह बनकर रेडी है यहाँ पे, और अभी जो है भुजिया भुजा रहा है। इसके बाद जो है अपना नंबर आएगा और दिखाएंगे हम आपको पूरी रेसिपी यहाँ पे मटन को जो है बनाया कैसे जाता। तो ये देख लो, फ्रेश वाला बिल्कुल मटन है, पीसेस वगैरह जो इसमें चाप का पीस है प्लस कलेजी भी है। और गाइस जब जो है यहाँ पे मटन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और कढ़ाई गर्म होने के बाद सबसे पहले सरसों तेल डाल दिया गया है। और गाइस यहाँ पे सरसों तेल गर्म होते के साथ ही सबसे पहले छौंक डाला गया। छौंक में पहले गया सूखा मिर्च और उसके बाद गोटा जीरा। और कुछ जाएगा छौंक में की बस इतना ही छौंक में और कुछ डालिएगा बस इतना ही आई तो है ये नहीं है। अच्छा, खत्म हो गया है। क्या बोलते हैं, तेजपत्ता। अच्छा तेजपत्ता, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस जो छौंक डाला था अपना वो अच्छे से जो है लाल हो चुका था। और उसके बाद अब जो है इसमें डाल दिया गया कटा हुआ प्याज। और प्याज डालने के बाद अब जो है बढ़िया से इसको अभी भुना जा रहा है। कितना देर भूनते हैं प्याज को सिर्फ? अभी 10 मिनट, मतलब जब तक ये बढ़िया से लाल नहीं हो जाए, है ना? और गाइस इस साइड पे जो है प्याज तो फ्राई हो ही रहा है, लेकिन अब जो है इसमें मसाला डालने वाला ना वो बिल्कुल गाँव घर का देसी तरीके से डालने वाला है। तो ये देख लो मसाला सारा क्या क्या है इसमें, एक बार बताइए। तो जीरा है, अदरक है, लहसुन है, गोलकी मिर्च है, ओके, हरा मिर्च है। अच्छा, तो तीखा सिर्फ हरा मिर्च का ही करते हैं ना? हाँ, गोलकी और यही। और इसको पीसते हैं मिक्सी की सिलबट्टे में पीसते हैं? सिलबट्ट में पीसते हैं। अच्छा, सिलबट्ट पे पीसते हैं। तो ये जो है गाइस, मतलब सिलबट्ट पे पीसे मसाले का जो स्वाद होता है ना, उसका कोई टक्कर नहीं होता। और गाइस अभी जो है लगभग 8 से 10 मिनट हुआ है और प्याज का कलर देख लो बढ़िया तरीके से भून चुका है गोल्डन ब्राउन कलर का। अब क्या डालना है इसमें? इसमें मटन डालेंगे। ओके, तो ये चेक कर लो गाइस, यहाँ पे मटन एकदम फ्रेश सा धुल के आ चुका है और सारा मटन जो है अब इसमें डाल दिया गया है। और मटन डालने के बाद इनको जो है अच्छे से मिलाया जा रहा है, भुना जा रहा है। मटन डालने के बाद अभी कितना देर लगता है इसको, कितना देर भूनते हैं सिर्फ मटन और प्याज? 15 मिनट है ना, मतलब मसाला वगैरह बढ़िया से भूनते हैं ना? बहुत अच्छा। और गाइस मटन डालने के बाद अभी लगभग 10 से 15 मिनट हुआ है और अब रंगत देख लो यहाँ पे, मटन से जो भी पानी है ना इसका वो बढ़िया से निकल गया। प्याज भून चुका है और कलर देख लो आप, बहुत ही बढ़िया सा दिख रहा है। अब क्या डालेगा इसमें? नमक डालेगा। ओके, अब जो है भाई साहब इसमें डाल दिया जा रहा है नमक। और नमक डालने के बाद अब जो है प्रोसेस और भी स्पीड में हो जाएगा, मतलब अपना जो मटन है ना वो जल्दी जल्दी और पकेगा। तो अभी कुछ डालेंगे कि अभी ऐसे भुनाएगा? मसाला डाल रहे हैं। ओके, तो अब जो है मसाला पाउडर डालने का टाइम आ चला है। क्या डाले सबसे पहले? मिक्स मसाला। अच्छा, मिक्स मसाला था। हल्दी डाल रहे हैं, हल्दी का पाउडर, पिसा हुआ मसाला। अच्छा, तो ये जो है कटोरी में पिसा हुआ मसाला है ना, सिलबट पे जो पीछे है। और गाइस इसमें जो है अच्छा जीरा गोलकी वगैरह। और मसाला डालने के बाद अब जो है ना खुशबू जो है इसमें से बड़ा बेजोड़ सा निकल के आ रहा है पिसा हुआ मसाला का, जिसमें जो है मिर्चा का खुशबू बड़ा तेज सा आ रहा है। हरा मिर्चा तीखा था लगता है ना, तीखा था आपका। ओके, और अब जो है इसमें हल्का सा पानी डाला है और इसको अब भुना जाएगा काफ़ी अच्छे देर तक, ताकि जो है बढ़िया से मसालों का फ्लेवर, मटन का फ्लेवर निकले और दोनों मिक्स हो। और गाइस जिस साइड पे जो है मटन का कलर निखर के तो आ ही रहा है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगना है। तब तक थोड़ा बहुत इस जगह के बारे में और इनके बारे में फिर से जान लेते हैं जो हमारे नए व्यूअर है। तो सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल पे। एक बार नाम बता दीजिए अपना, क्या नाम हुआ आपका? मेरा संगीता नाम। और कैसे हैं आप ये भी बताइए, क्योंकि दूसरी बार हम आपके पास आए हैं। ठीक है, ठीक है। पहला वीडियो जो बनाए थे उसको देखने के बाद लोग आया?
हाँ आया कुछ कुछ, लेकिन दो तीन शादी था, चार पाँच दिन बंद था दुकान। अच्छा दुकान बंद रखे थे, तभी हमारे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था कि भैया वीडियो आगे बनाए तो होटल भी बंद है, इसलिए हम जो दोबारा आए बंद था। तो एक बार जो है फिर से टाइमिंग वगैरह सब बता दीजिए, क्या टाइमिंग है होटल का, कितने बजे होटल जो है खुल जाता है? 6 बजे खुल जाता है, ठीक है, 7:30 से 8:30 बजे बंद हो जाता है। अच्छा और सप्ताह में 7 दिन खुल रहे हैं कि कोई दिन छुट्टी भी रख रहे हैं? काम पड़ जाता है तो कभी, मतलब काम पड़ गया जैसे शादी भी पड़ गया था तो उस हिसाब से, ऐसे कोई बंदी नहीं है? नहीं ऐसे कोई। बहुत बढ़िया, एक बार रेट बताइए फिर से, चिकन बनाने का क्या भाव लगता है 1 किलो का? 1 केजी का है 120 रुपया। ओके और मटन का क्या भाव लेते हैं? मटन का है 150 रुपया। 150 रुपया और कोई आधा किलो लाता है तो उसका आधा? हाँ आधा है ना, बहुत अच्छा। तो गाइज रेट वगैरह जो है यहाँ पे काफी जेन्युइन सा है, इस साइड पे जो है इनका वेज खाना भी तैयार रहता है बना के। वेज खाना का कितना लेते हैं? वेज खाना का लेते हैं 40 रुपया। 40 रुपया तो उसमें क्या क्या मिल जाता है? दाल भुजिया सब्जी अचार चटनी। अच्छा मतलब पूरा एक थाली रहता है वेज का कंप्लीट, है ना? हाँ। बहुत अच्छा। तो ये होटल जो है कितना टाइम, एक बार फिर से हमको बता दीजिए कितना टाइम हो गया होटल का? होटल का हो गया 3 साल। 3 साल, इसके पहले क्या काम था? इससे पहले ये होटल से पहले, होटल से पहले सब्जी बेच रहे थे। सब्जी बेचते थे? हाँ। अच्छा तो सब्जी बेचते बेचते फिर कैसे आइडिया आ गया कि होटल खोल दे, बताइए थोड़ा ये कहानी हमको। हम बहुत पहले से घर में भी, अपना घर में भी चला रहे थे। अच्छा। हाँ छोटा मोटा दुकान था। अच्छा घर में पकौड़ी समोसा वगैरह का। अच्छा तो उसके बाद फिर सब्जी का किया? हाँ उसके बाद सब्जी का। सब्जी से फिर आइडिया आ गया होटल का? हाँ। बहुत बढ़िया, तो मतलब सब्जी से होटल में आके संतुष्ट है? हाँ है, कि वहाँ बहुत दौड़ धूप। हाँ यू तो डेली का दौड़ धूप होता होगा उसमें, और सारा काम आपको अकेले ही करना पड़ता है? अकेले करना पड़ता है। भाई ये तो और भी मुश्किल वाला बात है। और गाइस यहाँ पे जो है जानकारी हमने ले ली, मटन एक बार उठाई तो छोलने का थोड़ा सा ऊपर एक आध पीस मसाला के साथ, ये देख लो यहाँ पे इसका रंगत क्लोज से एकदम बढ़िया सा, अभी तो ये और भी बढ़िया कलर आ जाएगा, नहीं अभी और घुनाएगा रंग निखर जाएगा। पानी अभी टाइम है डालने में कि अभी डालेंगे? अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा मसाला नहीं भुनाया है। अच्छा मसाला नहीं भुनाया है। और गाइस अभी जो है ना लगभग 15 से 20 मिनट हो गया है मटन को भुनते भुनते मसालों के साथ, और यहाँ पे देखो मसालों का कलर और तेल जो है ना बुलबुला मार रहा है, मतलब भाई साहब मसाला अच्छे से पक चुका है, और कलर यहाँ पे एक बार गौर से आप देख लो बहुत बढ़िया सा दिख रहा है। मसाला तो भुन गया अच्छे से, अब क्या डालना है इसमें? हल्का पानी डाल देंगे। अच्छा डाल दीजिए, और अब जो है इसमें डाला जा रहा है पानी, तो ये जा रहा है सिझाने के लिए मटन, है ना? और ये देख लो यहाँ पे पानी डाल दिया, लगता है फिर बीच में पड़ेगा पानी क्या? नहीं। अच्छा नहीं, इतना में हो जाएगा ना? थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा और। और गाइस पानी डालने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट तक ढक्कन जो है लगा कर रखा गया है, और अब देख लो यहाँ पे पानी पूरा सूख चुका है, 15-20 मिनट हो गया है ना? ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। और यहाँ पे देख लो यहाँ मतलब पानी बिल्कुल सूख चुका है, रंगत पूरा बढ़िया सा आ चुका है, अब क्या डालेंगे इसमें? आप एक MDH डालेंगे बस। अच्छा MDH का मीट मसाला। अगर जब जो है इसमें फाइनल मसाला डाला जा रहा है, बहुत बारी जो है हमने देखा है कि चिकन मसाला में मीट मसाला डल जाता है, लेकिन आज जो है मीट मसाला में चिकन मसाला डल चुका है, और इसी के साथ हमारा मटन बनकर रेडी हो चुका है। रेडी हो गया ना? ये हो चुका है रेडी, करना क्या है इसको लगवाना है प्लेट में, करेंगे टेस्ट और आपको बताएंगे स्वाद कैसा लग रहा है। और इस चीज को आज हम ट्राई करने वाले हैं रोटी के साथ, जो कि अभी गर्मा गर्म यहाँ पे बनने वाला है। तो भाई अभी जो है हमारे को यहाँ पे मटन बनाकर दे दिया गया, बिल्कुल देसी सिंपल तरीके से बनाया गया है, और साथ में गर्मा गर्म रोटी, और रंगत वगैरह की बात करें तो एक नंबर से दिख रहा है। आपको इसका पहले एक बार नजारा देते हैं, उसके बाद स्वाद बताते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप ये थाली देख लो, बिल्कुल सिंपल सा अपने को मिला है, जिसमें मटन बनाकर दिया गया है और साथ में गर्मा गर्म रोटी। तो मटन एक बार आप चेक करो सामने से, रंगत देख लो इसका, कलर देखो आप, बिल्कुल ऑथेंटिक सा कलर है, ना कोई कश्मीरी मिर्च ना ही कोई और चीज़ डाला गया जिससे कलर इसका इनहांस हो, बिल्कुल एकदम प्रॉपर सा कलर है। अब जो है ना एक बार ग्रेवी चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले मीट पर से उठाते हैं, तो ये देख लो यहाँ पे इस हिसाब का थिक थिक सा जो ग्रेवी है, प्याज वगैरह डाला गल चुका है, दर दरा मसाला पीसा गया वो समझ में आना है। और ये देखो ये है मटन फैट, देख रहे और मीट दिखाते हैं आपको, तो पीस जो है छोटा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये मटन हमने लिया और ये देखो मीट, बहुत अच्छे तरीके से मटन गल चुका है, एक नंबर।
तो गाइस हमने जो है आपको इसका नजारा दे दिया, दिखा दिया किस हिसाब से मटन पका हुआ है, किस हिसाब से इसका रंगत वगैरह है। अब जो है एक बार टेस्ट करके बताते हैं कि स्वाद कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना, ग्रेवी को ही टेस्ट करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग मेरे को वही दिख रहा है। यहाँ पे ग्रेवी हमने उठाया, लटपट लटपट सा है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है। जो टेस्ट है ना, बिल्कुल गाँव घर वाला ऑथेंटिक सा फ्लेवर सारे मसालों का इसमें खुलकर आया है। और जो चटपटा सा टेस्ट होता है ना वो है, मतलब समझ में आता है कि हाँ सारे मसालों को अच्छे से खर कर कर भुना गया है। मसालों का टेस्ट बहुत बेहतरीन सा है, अच्छा लग रहा है। अब जो है ना रोटी के साथ ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे रोटी के साथ मतलब गर्मा गर्म मीट, गर्मा गर्म रोटी, नेक्स्ट लेवल का जो अपना एक्सपीरियंस है यहाँ पे। जो जो इसमें मसाला पड़ा ना वो सारा एकदम परफेक्ट रेशियो में डाला हुआ है। नमक रोटी के साथ भी अपने खा रहे तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। और ये जो है ना, मतलब सारा जो मसाला पीसा आपका देसी तरीके से सिलबट्टे पे, तो जो दरदरापन होता है ना जिसमें जीरा गोलकी वो सब हल्का हल्का समझ में आना है आपको। सारे मसालों की क्वांटिटी अच्छे होने के कारण क्या टेस्ट खुलकर आया, प्लस तेल प्याज वो सब एकदम परफेक्ट मात्रा में, मतलब कोई चीज़ का कंजूसी नहीं था। और जहाँ खाना वगैरह बने, मन से बनाया जाए और सारा मसाला वगैरह सही से डाला जाए तो भाई स्वाद ऑटोमेटिक जो खुलकर आना है। तो अब जो है मटन पैट के साथ इसको ट्राई करते हैं। मीट हड्डी आ गया, मीट इस साइड पे है। मीट जो है ना गला बढ़िया, बिना कुकर के यूज किए धीमे आंच पे पकाया गया। और धीमे आंच पे पके हुए खाने का स्वाद बहुत लाजवाब होता है, बहुत। अब जो मीट की क्वालिटी है ना ये भी बहुत बढ़िया था, मतलब प्योर देसी खस्सी। और जो खस्सी हमने खरीदा था वहाँ से मुश्किल से लगता है कि 8 से 10 किलो के साइज का होगा। इस साइज का जो बकरा रहता है ना, खस्सी रहता है, उसका टेस्ट बढ़िया होता है, प्लस वो पकता बहुत अच्छे से और पूरा फ्लेवरफुल होता है। और रोटी के साथ खा रहे ना तो मेरे को लग रहा है कि चावल के एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़िया है। और आप लोगों का सजेशन भी आ रहा था, जब रोटी कभी कभार खाते हो आप, चावल हमेशा खाते रहते हो, तो आज आप लोगों के डिमांड पे रोटी। ये जो मसाला वगैरह है ना इसमें, मतलब तीखे के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, लाल मिर्च का पाउडर बहुत ज़्यादा डाला जाए ताकि कलर बढ़िया हो, तीखा हो, लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं है। तीखे के लिए सिर्फ हरा मिर्च, छौंक में 2-4 सूखा मिर्च गया। तो अगर अपने यहाँ पे सारा मीट भी खा लेते ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस हिसाब से यहाँ पे चिकन बनाकर दिया गया था, पसंद तो बहुत आया था मेरे को, तो हमने ही सोचा कि चलो एक बार जो है मटन भी ट्राई करते हैं। और यहाँ का मटन भी बेहतरीन, ठीक है।
और इसमें जो है ना आज मतलब उल्टा हुआ कि मीट में जो है चिकन मसाला पड़ा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा हमको। लगता है कि मीट मसाला का जो पैकेट होता है और चिकन मसाला का पैकेट ऑलमोस्ट जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं वो लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा बीस जो है 19-20 रेशियो का रहता होगा। तो पता कुछ समझ मतलब डिफरेंट नहीं समझ आ रहा उस चीज़ को लेके। मेरे ख्याल से लगता है कि अगर वो मीट मसाला या चिकन मसाला जो भी बोलो नहीं भी पड़ता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि जो टेस्ट यहाँ पे आया ना वो सारा पिसे हुए मसालों का बढ़िया था। उसके बाद पिसे मसालों को जो भुना गया बढ़िया था उसका फ्लेवर खुलकर आया, प्लस प्याज में जब मटन डाल के लगभग 10 मिनट तक भुना गया उससे मटन का अपना फ्लेवर बढ़िया सा निकला था। सच्ची भाई मज़ा आ गया, एक नंबर। तो क्योंकि अपना जो है ओवरऑल फीडबैक इस जगह को लेके ये कि जगह जो है यहाँ पे बढ़िया सा आपको साफ़ सुथरा मिलने वाला है, प्लस यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है और बिल्कुल देसी तरीके से बनाया जाता है। तो अगर आप भी चाहते हो इस तरह के फूड को एंजॉय करना, इस तरह के खाने को खाना, तो वीडियो में जो है सारी डिटेल्स है, एक बार आके यहाँ पे यहाँ का फूड ज़रूर ट्राई करें। तो फिलहाल करना क्या, रोटी एक ही बच रही है, मटन का छोटा सा टुकड़ा बच रहा है हाथ में, सब कुछ कर दिया हमने ख़त्म। वीडियो को करेंगे आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट हमारी, वीडियो अगर अच्छी लग रही थी तो क्या कीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह से खाने पीने से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं कल कुछ के और कुछ नया लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।